अपन की बाइक चौराहे के एक रेस्टोरेंट का मौसम जो उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक कर जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि होटल ढाबे रेस्टोरेंटों को अपने रेस्टोरेंट पे ढाबों पर नेम प्लेट लगानी होगी तभी उनकी दुकान चलेगी। दुकान सजाओ फिर नाम चलाओ, तो उसको लेकर के मैं यहाँ रेस्टोरेंट के मालिकों से बात करने वाली हूँ कि क्या उनकी ये राय योगी आदित्यनाथ के लिए सही जाएगी या फिर मैं भी जाएगी। तो आइए मैं चलती हूँ अंदर का माहौल जानती हूँ। दिनेश रावत जी, आपका ड्रॉइंग रेस्टोरेंट सरकार किस नाम से है? तो जो गाजियाबाद में और गाजियाबाद के बाद शामली में भी ये जो वीडियो सामने आई है सोशल मीडिया पर वायरल हुई है कि ढाबों की भी वायरल हुई है कि रोटियों पर थूक लगा कर बेच रहे हैं और जूस में जूस मिलाकर बेच रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी एक वीडियो सामने आई थी सोशल मीडिया पर काफ़ी वो वायरल है कि आटे को पैरों से घुटा जा रहा है। तो इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि होटलों पर ढाबों पर रेस्टोरेंटों पर लगाओ फिर दुकान चलाओ, तो क्या ये आपकी नज़र में सही है? चलिए अपनी दुकान को नाम को लिखना चाहिए, कोई घटना होती है घटना होती है गंदी रखने से कोई चूक लगा रहा है और ज़्यादा पूरा होने की कौन किसने दुकान खोल रखी है तो मालूम होना चाहिए। फिर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ कारीगर भी कुछ स्वच्छ प्रकार से काम करते हैं, धुलाई करते हैं सब चीज़ों की और सबके सामने करते हैं, लाइट काउंटर चलता है हमारे यहाँ भी, ऐसे नहीं है कि चूक लगा दें या कुछ भी लगा दें, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के नाम से हमने ये रेस्टोरेंट खोल रखा है और इससे बढ़िया कोई अच्छा नाम भी नहीं है श्री बांके बिहारी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसी के बाद में आगे जो ट्रॉली में बाकी के जो ढाबे रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनके प्रबंधकों से मैं बात करके सुनाऊंगी अपने दर्शकों को कि उनके क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है। अमित जी, आप यहाँ रेस्टोरेंट से खाना पीना खाने आए हैं, आपको कैसा लगा? शुद्धता को लेके और साफ सफाई को लेके कैसा आपको माहौल? अच्छी शुद्धता के साथ है, स्वादिष्ट खाना मिलता है, मैं तो यहाँ महीने में 4-6 बार अभी जाता हूँ। अच्छा खाना है दिनेश भैया के यहाँ और बढ़िया क्वालिटी का है और स्वादिष्ट आइटम है, शुद्धता भी है, शुद्धता है इसीलिए यहाँ पर आते हैं लोग, अगर शुद्धता नहीं होती तो यहाँ नहीं आते हैं। तो जो योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि अगर पकड़े गए किसी भी चीज़ को लेके गंदगी को लेके तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी, सजा मिलेगी, क्योंकि आप जी बिल्कुल सहमत हुई, होना भी चाहिए क्योंकि स्वच्छता है तो शुद्धता है, क्योंकि अगर स्वच्छता है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अगर गंदगी इंसान के लिए गंदगी दी जाएगी खाने के लिए तो बीमारियां पैदा होंगी इंसान की बॉडी में, तो स्वच्छ और स्वस्थ होना भी जरूरी है। तो देखिए तिरुपति प्रसाद में चर्बी मिलाई जाने पर योगी आदित्यनाथ एक्शन भी दिखाई दिए, तो मैं यहाँ जो बात करने वाली हूँ मैं पूछूंगी और अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि क्या ये सही है, और अतरौली के जो रेस्टोरेंट हैं ढाबे हैं और जो हलवाइयों की दुकान है उनके प्रबंधकों का क्या कहना रहेगा? ये जो योगी जी ने जो आदेश दिया है कि साफ सफाई की स्वच्छ रखनी चाहिए, नेम प्लेट लगाओ फिर दुकान सजाओ, जिससे हिंदुओं को पता चले कि ये किसकी दुकान है और किस दुकान से हमें सामान लेना है, तो क्या ये सही है या गलत है? हम तो सफाई वगैरह रखते हैं, अच्छा बेचते हैं सफाई की। तो योगी जी के आदेशों से मतलब आप खुश हो? जी। अजय जी, जो गाजियाबाद में मामला सामने आया, मध्य प्रदेश से मामला सामने आया और शामली से भी आया, आटे को पैर से उठा जा रहा है, रोटी पर थूक लगा के बेचा जा रहा है और साथ ही साथ जूस में भी थूक डाल कर बेचा जा रहा है जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, तो मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं कि नाम बताओ फिर दुकान सजाओ, तो क्या ये आपकी सही है? सही है। साथ ही साथ एक ऑर्डर ये भी आया है मुख्यमंत्री का कि जो रेस्टोरेंट के जो वेटर हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, मास्क लगने जरूरी होने चाहिए, या अपने रेस्टोरेंट की जो मैनेजर है उनका भी नाम पता साथ में नेम प्लेट लगना चाहिए। तो क्या आपके यहाँ क्या सुविधा ऐसी है स्वच्छता को लेकर जो योगी आदित्यनाथ एक्शन में नहीं आए या फिर पुलिस प्रशासन एक्शन में नहीं आए?
हमारे यहाँ व्यवस्था की है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ व्यवस्था की है, जो भी रास्ता आदेश हमने ये सारी व्यवस्थाएँ बच्चों के लिए माफ कर रहे हैं, बच्चे गैस में आ रहे हैं, सफाई साफ सफाई कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अब आदेश हुए हैं, आगे कर रहे हैं, आगे भी होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया करेंगे। स्टाफ के लिए आदेश है कि मास्क होना चाहिए और हैंड ग्लव्स होने चाहिए। तो मतलब आपने